So, good morning guys. Good morning from Kasol. तो आज दूसरा दिन है और दूसरा दिन जो है अभी थोड़ा सा दिन गया, मतलब आधा दिन निकल चुका है, 1:30 बज रहे हैं और अभी बस कैंप में ही रहे हम। और कैंप का भाई वाइब्स अलग थी, कल पार्टी बड़ी तगड़ी हुई है, मगर सुबह 4 बजे के आसपास तक पार्टी चली है मेरे ख्याल से, तो सुबह 4 बजे तक पार्टी चली तो भाई मज़ा आ गया एक नंबर। और बस अभी वही था कि अभी निकलना है मणिकरण गुरुद्वारे, नया साल है तो भाई आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद नए साल की। ये साल मैं सब चाहता हूँ भाई सबका ही अच्छा जाए, मेरा भी जाए। और बस हैप्पी न्यू ईयर फ्रॉम कसूल और चिल वाइब्स। तो बस अभी यही है कि अभी निकलते हैं मणिकरण गुरुद्वारे के लिए और फिर चलाल विलेज जाएंगे, चलाल एक्सप्लोर करते हैं और आसपास जो चीज़ें हो सकती है, क्योंकि आज सैटरडे है और हमें निकलना है घर के लिए किसी भी कीमत पे। तो आज शाम की बस होगी 8 या 9 बजे की, कल सुबह दिल्ली पहुंच जाएंगे। 2 दिन के लिए आए थे न्यू ईयर मनाने के लिए और बहुत मज़ा आ गया भाई, बहुत मज़ा आ गया। बस अभी ये वादियों के नज़ारे ले रहे हैं, आनंद उठा रहे हैं इनका, नदी बह रही है, इसका शोर बड़ा प्यारा लग रहा है कानों में सुनते हुए। मन तो नहीं कर रहा जाने का, लेकिन आगे इससे ही प्यारा व्यू है तो वो आपको दिखाऊंगा आगे चल के। तो चलते हैं, पहले सबसे पहले बाबा जी की ब्लेसिंग ले लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। बाकी ये मेरी आँख में यार, मैं चश्मा क्यों पहन रहा था, रीज़न ये है मेरी आँख लाल हो गई थी एक्चुअली, मैं बाइक से गिर गया था 1-2 हफ्ते पहले, इसलिए ब्लॉग्स भी नहीं आ रहे थे। तो बस तुम्हारा भाई बहुत सही हो गया, काफ़ी बेटर नहीं लगता है अंदर अंदर। चलो मिलते हैं आगे, अभी बैग उठाते हैं यहाँ से कैब से, और कैब मेरा ये है ये पीछे से की साइड देखिए। तो 2500 में मेरे को पार्टी का एंट्री और ये आपका कैम्प, खाना अलग था, थोड़ा सा कॉस्टली है मतलब खाना, लेकिन ठीक है न्यू ईयर में यार इतना तो मिलता ही है, क्योंकि तो जहाँ पे हम कंपेयर करके आए थे 4-5 हज़ार के तो होटल ही थे, तो 2500 दिए थे ठीक है। और बाकी यहाँ पे देखो ये वैसे 4 है यहाँ पे, 4 एक और एक वाइट वाला है, ये 3 ब्लैक है एक वाइट है, देखो कितना प्यारा है। तो इसकी माँ आया ना गया मेरे को पाकूट न ले, तो यहाँ के ना ये बड़े प्यारे होते हैं, छोड़ देता परेशानी होता। चलो भाई अब सीधा मिलते हैं आपसे आगे मणिकरण गुरुद्वारे में, और भाई वहाँ पे लेंगे हम कोल्ड वाटर स्प्रिंग बाथ। चलो गाइस निकलने का टाइम हो गया, बस कैंप में से बैग उठा रहे हैं और बैग उठा के निकलते हैं। और भाई टाइम क्योंकि ना बहुत ज़्यादा हो गया, ज़्यादा मतलब 1:45, और 1:45 का मतलब है अपने को 2 घंटे तो वहाँ भी चाहिए। और जो सबसे बढ़िया जो बंदा था ना भाई, जो मतलब जो लगाइए देखो सबसे प्यारी चीज़ ये रही आ जा भागा, तो ये बड़ा खेल रहा है मेरे साथ, ये देखो ये तो ये आपस में 4 है ये और 4 खेल रहे हैं, देखो बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे सच में बहुत प्यारे हैं। ये देखो मेरे पीछे, ओए इधर आ, काटेगा। तो ये रात को मेरे को मिला था और रात को मेरे को दिखा, मैं इसको गोद में उठा के ले आया था, काट रहा है तो एक खेल रहा है एक्चुअली, काट ये उसको देखो उसको काट रहा है कैसे खेल रहा है ये। तो भाई यहाँ पे आता हूँ ना जब भी, मेरा ना दिल खुश हो जाता है क्योंकि ये जगह एक नंबर है भाई, सच में दिल खुश करने वाली जगह है। तो बस मन तो नहीं है निकलने का, लेकिन निकलना पड़ेगा क्योंकि भाई घर भी जाना है और थोड़ा दिल पे पत्थर रख के निकलते हैं फिर फटाफट, क्योंकि 9 बजे तक भाई निकल जाएंगे फाइनली। तो मैं आपको कैंप दिखा देता हूँ अपना, कैंप में देखो ज़्यादा कुछ नहीं था, कैंप बस नॉर्मल सा है, नॉर्मल सा इंसेंस की बेड लगा हुआ है, बेड नहीं नीचे मेट्रेस है, ये था कैंप। तो कैंप में अगर आप देखोगे एक सेकेंड तो कैंप ये है जी अपना, ये देख लो बस ये है कैंप, ये अपना अंदर से एक बल्ब लगा हुआ है, एक मैट्रेस वगैरह है, कंबल दिए हुए हैं, एक मैट्रेस एक्स्ट्रा है, बैग वगैरह पड़े हुए हैं। तो भाई कैंप ऐसे ही होता है आपको पता ही है, बस कैंपिंग करनी है कैंपिंग, तो नज़ारे बस ये होते हैं सामने, और कैंप बस कैंप से बाहर निकलो और आपको फिर ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो बाकी एक हॉस्टल ये भी है जो साथ में हमारे, ऑस्ट्रेलिया होटल आप कुछ भी कह लो, इनके जो ऑनर है ना भाई एक नंबर बंदा है वो, तो उनसे ना मैं मिला हुआ बहुत बारी,
बाकी फिर यहाँ से ये नज़ारे मिलते सीधा। तो यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए जो चिल मार रहे हैं। तो गाइज निकल चुके हैं, अब टाटा बाय बाय बोल देते हैं इस जगह को। और ये लोग देखो भाई, ये लोग सही चिल मार रहे हैं बंदे यार। ये लोग बैठे हुए देखो, अब थोड़ी सी चिल मारेंगे और इन्जॉय करेंगे। तो बस चलो हम भी निकल गए हैं, और तुम्हारा भाई अब ब्लैक चश्मे में आ चुका है, और फटाफट निकलते हैं। दो बज चुके हैं, अभी पहले जाते हैं मार्केट, मार्केट से कुछ सामान लेना है, तौलिया वगैरह, क्योंकि ये सब लाए नहीं हम पहली बारी, वरना तौलिया तो मैं हमेशा लाता हूँ, और अंडरवेयर तक नहीं है भाई साहब, मैं क्या बताऊँ। तो पहले वो लेते हैं और फिर चलते हैं मणिकरण, और फिर आपको दिखाते हैं नज़ारे। और आज नए साल पर यार बाबा जी की ब्लेसिंग लेनी ज़रूरी है। यहाँ पर मंदिर गुरुद्वारे वगैरह सब है, तो गुरुद्वारा भी है मंदिर भी है, दोनों जगह दर्शन करेंगे और भगवान का आशीर्वाद लेंगे नए साल के लिए। आने वाला नया साल बहुत बढ़िया रहे, उस साइड से जाना है अपने को। तो बस, और आप लोग भी खुश रहिएगा यार। चलो भाई, फुल चिल वाइब्स है, फुल चिल वाइब्स। मोटर सा लग रहा फोन का। हेलो गाइस, लुक एट दिस, अनलिमिटेड मजे, प्राइसलेस। बस अब चलते हैं भाई पेट पूजा करने के लिए, भूख लग रही है बहुत गंदे वाली। तो भाई ये ट्रिप हो गया बहुत ज़्यादा बढ़िया, मैं बनाता हूँ। तो ये ट्रिप हो गया बहुत ज़्यादा बढ़िया, और भाई नज़ारे तो भाई मतलब मन ही नहीं कर रहा यहाँ से हिले भी, लेकिन क्या बंदे आ जा रहे हैं, तो यहाँ से निकलते हैं जल्दी, भूख लग रही है, कुछ खाते हैं और फिर निकलते हैं आगे। चलो भाई, तो मेरे ख्याल से आधा रास्ता हो चुका भाई लोग, और ये देखो भाई क्या बात है। तो यहाँ नज़ारे मिलते रहते हैं। तो थक गया ना, अभी दो मिनट रेस्ट करते हैं, दो मिनट रेस्ट करेंगे यहाँ पर, मणिकरण जा रहे हैं, और मणिकरण फिर आगे जाएंगे। एक्चुअली यार मेरा पैर थोड़ा सा स्वेल हो रखा है, वो चोट का जो है ना अभी इफेक्ट है पैर में, अभी भी है, और मुंह पे भी हल्का सा है। तो अभी ज़्यादा देर चल गया ना मैं, तो मेरा पैर दर्द कर रहा है। अब रेस्ट लेते हैं पाँच मिनट वेट करेंगे यहाँ पे, फिर चलेंगे। और मौसम बड़ा प्यारा है भाई, मैं टी शर्ट में घूम रहा हूँ, दिसंबर जनवरी है यार 1 तारीख आज, और भाई गर्मी ठीक है। चलो सांस लेता हूँ, फिर आगे मिलता हूँ आपसे। चलो चला चला। तो ये भाई पहाड़ ना, मेरे को स्पीति वैली का रास्ता है, मैं गया नहीं हूँ आज तक, लेकिन वहाँ पे ऐसे एक पहाड़ है, तो ये पहाड़ मेरे को देख के ना जो इस साइड झुका हुआ है भाई, उसकी याद आ जाती है सच में। और हल्का सा भाई पैर दुखना शुरू हो गया है, लेकिन क्या करें, चलना तो पड़ेगा ही। और यहाँ पे ओहो कितनी पास पास से गाड़ी लेके जा रहे हैं, तो ध्यान से चलना पड़ रहा है, पीछे से भी गाड़ी आ रही है, आगे से भी गाड़ी आ रही है, तो कोई हमारे को ठोक ना दे, बस शांति से हम जाना चाहते हैं अपने घर भी और जगह भी। चलो जी, तो भाई लोग पहुंच गया है मणिकरण। मणिकरण मतलब ये रूम वगैरह है जहाँ पे आप रुक सकते हो स्टे करने के लिए, गुरुद्वारा भी जैसे यहाँ से नीचे उतरेंगे। तो मेरे ख्याल से मैं 4-5 बारी हो चुका है मेरा अब, कि मैं 4-5 बारी आ चुका हूँ गुरुद्वारे के अंदर, और भाई जब भी आओ ना अच्छा लगता है यहाँ पे। तो अब एक्चुअली मेरे को एक गुरुद्वारा जो कि करतारपुर साहिब है वहाँ भी जाना है, तो बस जब भी बाबा जी का बुलावा आएगा तब जाएंगे, और आपको भी दर्शन कराएंगे फिर अगर कभी जाते हैं तो। अभी एक्चुअली तुम्हारे भाई के पास पासपोर्ट भी नहीं है, तो प्लान तो बड़े लंबे चौड़े बनाए हुए हैं, नहीं बस पासपोर्ट बन जाए, और थोड़ा सा पेंडेमिक सिचुएशन जो है ना ये थोड़ी सी, क्योंकि अभी दोबारा लॉकडाउन लग गया है, बड़ी खज्जल बनती हो रही है भाई। तो चलो अब सीधा स्टेयर्स उतरे, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, फिर आपको दिखाऊंगा जो यहाँ के नज़ारे हैं
एक हॉट वाटर स्प्रिंग में डिप लेंगे छोटी सी। ये सीढ़ियाँ जी, तो भीड़ काफ़ी है एक्चुअली। न्यू ईयर के चक्कर में ना बहुत सारे लोग आए हुए हैं, तो पहले चलो भाई लोग, अभी 5-10 मिनट बाद हम भी जाएंगे अंदर नहाने के लिए। और भाई बड़ा सही नज़ारा है, गर्म गर्म पानी और हॉट वाटर स्प्रिंग में डिप लेंगे तगड़े वाली। अभी क्या अविनाश गया हुआ फ्रेश होने के लिए और मैं उसका वेट करता हूँ बाहर। और ये टोपी लिया अभी मार्केट से, तो अभी शॉपिंग वगैरह की थी यहाँ की, मार्केट आपको दिखाई हुई ऑलरेडी, तो क्या दिखाना। चलते हैं, अभी उसका वेट कर रहा हूँ, आते हैं कपड़े उतारते हैं और सीधे अंदर जाते हैं भाई, वेट नहीं हो रहा। चलो आगे बता रहे, टोपी कैसे लग रही है, बढ़िया है ना। चलो तो भाई आपका दोस्त भी अंदर आ रहा है, पानी पानी में, और फोन की तैयारी है, नया फोन लेके जहाँ से जाती नया सवाल है। हमें नहीं गिरेगा, पकड़ बैठे हुए हमें जो जी, अपन जा रहे हैं 1 2 3। तो कसौल आए और यहाँ नहीं नहाए तो भाई कोई फायदा नहीं, बड़ा गर्म पानी है वहाँ पे। इधर फ्रंट स्नैप की तरफ पहले नहीं होता, फोन मोड़ना पड़ेगा। ओ गाइस, सुपर किसी को दे देंगे भाई। ये एक नंबर मजे। तो भाई लोग बहुत सही फीलिंग है भाई, बहुत सही फीलिंग। लास्ट टाइम जो आया था ना, मैं इतना गर्म पानी था, मैं नहाया नहीं था यार, लास्ट टाइम नहीं था, पहले बहुत ज्यादा था। अभी मैं लास्ट मंथ आया था ना, मैं 5 साल पहले आया था। हाँ हाँ, इसमें पैर नहीं रख सकते आप भाई, बहुत गर्म होता है। अभी भी आप उस साइड अगर जाओगे तो उस साइड काफी गर्म, और बीच में जो है ना वो जो है जो पाइप है, वो पाइप से बहुत गंदा पानी निकल रहा भाई, गरम गरम। मतलब एक सेकंड भी खड़े नहीं हो सकते, लेकिन भाई चिल वाइप से पूरी। अगर यहाँ पे नहीं आए ना तो कुछ मज़ा नहीं किया आपने। कसौल में अगर आते हो तो 2 किलोमीटर दूर मणिकरण गुरुद्वारा है, बाबा जी के दर्शन भी करके तब जाओ। और एक नेचुरल जो ब्यूटी है ये आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी, बहुत कम जगह पर होता है कि बाहर ठंडा है और अंदर गर्म पानी मिल रहा है आपको। तो नेचुरल वाटर है भाई, गर्म गर्म नहा ले लो, क्योंकि सर्दियों में आधे लोग तो नहाते नहीं है। तो बस वही है, आज निकलना है 9 बजे। बस होगी, अभी तो बस बुक करेंगे, बस बुक करने के बाद देखते हैं। अभी जो टिकट प्राइस मैंने चेक करे रेड बस पे 1800, 2000, 3000 तक की बसें आ रही हैं, तो अभी डिसाइड करते हैं क्या करना है आगे। लेकिन भैया जाना तो पड़ेगा, काम है और किसी भी हाल में कल पहुँचना है। बाकी देखते हैं, जो भी भगवान मंजूर होगा आगे का प्लान आगे आपको बताइए। खैर अभी हम लोग नहा रहे हैं, 5-10 मिनट नहा के फिर अंदर चलते हैं, दर्शन करेंगे, लंगर चखेंगे और फिर निकलेंगे सीधा कसौल बस स्टैंड के पास, वहाँ पर करेंगे बस बुक। चलो तो अपना हो गया भाई साहब, बहुत बढ़िया स्नान। और अब हम जा रहे हैं मणिकरण गुरुद्वारे के अंदर। जूते हमने पहले हाथ में ले लिए थे क्योंकि नहा धो के फिर शूज उतारेंगे, शूज पहनेंगे और बाकी ब्लेसिंग ले लेते हैं नए साल की। तो चलो भाई, क्राउड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा लोग फोटो खिंचवा रहे हैं, और देखो भीड़ कितनी ज़्यादा है। तो सारे नए साल पे जो लोग आए थे ना, और मेन ये ना मोस्ट पॉपुलर प्लेस है यार, काफ़ी फेमस जगह है, तो यहाँ पे तो आते ही आते हैं। और बस क्या बताऊँ, पैर में ना बहुत ठंड लग रही है, ठंडे पैर जाना पड़ रहा है, ऐसा लग रहा पैर जम गए हैं पूरे जम। ये थोड़ा सा अंदर गए गुरुद्वारे में एंट्री कर चुके हैं, तो हमें जाना है जी इस साइड। चलो
गुरुद्वारे की सीढ़ी है। चलो जी अब कराते हैं आपको अंदर दर्शन, पहले जूते रख लेते हैं। तो जी दर्शन हो गए जी, बहुत बढ़िया। अब लंगर चख रहे हैं और लंगर में मिलने वाली है जी कढ़ी, जो कि ऑल टाइम फेवरेट, जब भी आना है यहाँ पे कढ़ी जरूर खानी है। तो जी प्रसादा मिल रहा था, प्रसादा मिल गया। अभी आई कढ़ी और एक दो आइटमें और हैं वो भी आपको दिखाएंगे। तो आएगी कढ़ी बड़ी स्वाद है और चाय। तो जब भी आओ मणिकरण गुरुद्वारे में लंगर जरूर चख के जाना। बाकी देख लो यार कितनी ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा है, काफ़ी क्राउड है। चलो लंगर चखते हैं फिर मिलते हैं आपसे सीधा बाहर। ये शिवजी जी की जो मूर्त है मणिकरण गुरुद्वारे से जैसे आप बाहर की तरफ निकलोगे ना गुफा से अंदर की तरफ, तो पीछे की साइड एक मंदिर है जो कि मैं पहले अभी आ चुका हूँ यहाँ पे। खैर आ तो मैं हर सब जगह चुका हूँ। तो ये मूर्त है, दर्शन करते हैं मंदिर के और फटाफट दर्शन करके भाई निकलते हैं क्योंकि हम ऑलरेडी लेट हैं काफ़ी, बस बुक करनी है बस फटाफट। ये देखो तो यहाँ पे गया ना, ये देखो खाना लोग, ये देखो ये पूरा गर्म पानी और चने उबाल रहे लोग। ये देखो तो यहाँ से आप ले सकते हो, धुआं बहुत ज़्यादा है। शिव जी जी की एक बार मूर्त दिखा देता हूँ मैं, यहाँ छोले यहाँ पे मिल रहे हैं। तो यहाँ से लो और भाई यहाँ कहीं उबाल लो। यहाँ पे एक्चुअल में लंगर बन रहा है, देखो ये जो ये हांडियाँ हैं मिट्टी की हांडियाँ, यहाँ चावल दाल ये जो गुरुद्वारे का लंगर है सारा यहीं बनता है। ये जी शिव जी जी की मूर्त इसके नीचे है। चलो फिर अंदर जाके दर्शन करते हैं यार और फिर आपको दिखाते हैं। हाल जो है ना वो इतना गंदा है, ये हाल देख लो, अभी हाल ही आया तो पब्लिक खड़ी है देखो सामने कितने बंदे। तो ये न्यू ईयर का जो क्राउड था सबका क्रेज उतरने वाला है क्योंकि बस ही नहीं है जी। आप भी अपनी बस का वेट कर रहे हैं और टिकट का प्राइस बता दूंगा ना भाई तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। 3,000 रुपये में बस हुई है और अभी वेट कर रहे हैं हम खड़े हो गए कि भाई बस कब आएगी, बस कब आएगी। हाल बड़ा बुरा है, अभी लोकल बस में भूत छोड़ेंगे और फिर जाएंगे हम दिल्ली। भाई न्यू ईयर पे कभी मत आना, हालत ख़राब हो गई मेरी, तो पैर में दर्द हो रहा है, एक घंटा हो गया खड़े हुए। बस कुछ भी करो निकलना तो है ही, घर जाना है दिल्ली जल्दी। चलो मिलते हैं यार दिल्ली में, नहीं सीधा हालत ख़राब है, बस मिल जाए बस में बैठ जाओ बस, है ना। इसकी हालत देखो, इसकी हालत क्या हो गई है, क्या हालत है भाई जो कुछ बोलना चाहते हैं आप। मतलब मैं देख रहा हूँ यहाँ क्राउड बहुत अच्छा है। हाँ। तो निकल इसे कसौल न्यू ईयर बोला है पूरा। अच्छा ये बात कसौली है। कसौली सही बात है, बस भाई हालत तो यही है। अब निकलते हैं आगे और फिर बताएंगे आपको, बस मिल जाए बस 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 हो रहा है, बस आ गया जल्दी से। कसौल वैली बिल्कुल वैली मज़ा है, लेकिन भाई जाते जाते खज्जल हो गए ना तो फिर बेकार है, कुछ फायदा नहीं। चलो अभी बस मिल जाए बस यार, फिर बताता हूँ आपको आगे अपडेट देता हूँ तब। गाइज फाइनली घर पहुंच गया हूँ और भाई घर पहुंचने में जो हालत ख़राब हुई है ना, बहुत गंदे वाली हालत हो गई है। मतलब ये पहली बार हुआ है कि मेरे को कसौल से हिमाचल से आने में दिल्ली अराउंड
24 घंटे ही मान लो आप, क्योंकि शाम को हम 7 बजे 7:30 बजे आसपास हम बस स्टैंड पे पहुंच चुके थे। और बस स्टैंड पे पहुंचने के बाद भाई जो बस हमें मिली है, सबसे पहले तो जो स्कैमी बस सर्विस एक तरीके से बोल लो उसको, इतना तगड़ा स्कैम हुआ था कि मैं क्या बताऊं। तो बस जैसे तैसे अभी घर तो पहुंच गए हैं, और मतलब 7:30 बजे पहुंचे थे तो हमें जो बस मिली वो मिली अराउंड 11:30 बजे लोकल बस ने हमें भुंतर तक पहुंचाया। और भुंतर से हमें इतनी गंदी बस मिली थी, मतलब वॉल्वो के नाम पे 3,000 रुपए जो ठग लिया हमसे, बस क्या करें मजबूरी थी क्योंकि फेस्टिवल सीजन था। फेस्टिवल सीजन पे भाई बहुत तगड़ा क्राउड आया हुआ था वहां पे, मतलब लोग बहुत परेशान हुए, कई लोगों की फ्लाइट्स मिस हो गई, कई लोगों की ट्रेन मिस हो गई। तो बस अब क्या बताता हूँ कि भाई जल्दी पहुंच गए हैं बस घर पे जैसे तैसे, और हालत बड़ी गंदी हो रखी है। तो भाई बस इस व्लॉग में इतना ही था, तो होप करता हूँ ये व्लॉग आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा होना तो यार लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट मार देना बढ़िया से, क्योंकि और ज़्यादा बोलने की तो हिम्मत नहीं है, काफ़ी ज़्यादा थका हूँ भाई। और बस सोऊंगा जल्दी, आगे थोड़ा सा रेस्ट किया था, बैग वगैरह अनपैक कर दिया है, बस यही है। अच्छा जी, फिर मिलते हैं किसी ऐसी ही अच्छी सी वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट ब्रो, गुड नाइट गाइज, गुड नाइट, मिलते हैं ऐसी किसी अच्छी सी वीडियो में।